नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स में। आज मैं करदम रावल आपका दोस्त लेके आया हूँ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज द हिंदू एडिटोरियल्स जो है उसको डिकोड करेंगे हिंदी के अंदर। नया महीना है, पहला दिन है, तो आशा करते हैं आपका पूरा महीना अपने डेडिकेटेड टारगेट्स को अचीव करे। 1 अगस्त 2018 यहाँ पर बुधवार, और हम कहते हैं वी बिलीव इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। तो क्या लाते हैं हम आपके लिए, खास 9 सब्जेक्ट्स का वीडियो कोर्स बनाया है जहाँ पर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेते हुए प्रीलिम्स और मेंस के सारे कंटेंट कवर करते हुए 300 आज के कंटेंट के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। 350 लेक्चर्स, 3,999 रुपये वाले इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस के साथ एक वीडियो कोर्स के साथ, 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और हर महीने का करंट अफेयर्स, वैलिडिटी 2019 के मेंस एग्जामिनेशन तक, अनलिमिटेड टाइम रिवीजन, नो रिस्ट्रिक्शन। इसीलिए कहते हैं गारंटीड फार बेटर देन योर ऑफलाइन क्लासेस। 2000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। कैसे रजिस्टर करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए, वेबसाइट पर आपको रिडिरेक्ट कर दिया जाएगा। नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, और उसके बाद पेमेंट, पेमेंट के बाद आपको आईडी पासवर्ड एसएमएस के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से मिल जाएंगे। और आप जो है पूरे कोर्स को 2019 के मेंस एग्जामिनेशन तक जितनी बार चाहे उतनी बार, चाहे पीडीएफ को डाउनलोड करना हो या फिर वीडियो को देखना हो, कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। और कोई भी तरह की क्वेरी हो तो ऑन द कॉल भी क्वेरी सोल्व होती है यहाँ पर, और जो आफ्टर सेल सर्विसेज है रिगार्डिंग आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी। तो यहाँ पर हम 100% आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। और कोई भी अगर डाउट हो कोर्स के रिगार्डिंग तो भी आप नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मोबाइल नंबर है वहाँ पर आप कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज का रॉड मैप किस तरीके से है। पिछले एडिटोरियल में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर और नया सा क्वेश्चन, और यहाँ पर मिलेगा आपको वीडियो कोर्स के रिगार्डिंग कूपन कोड प्राप्त करने का एक तरीका। उसके बाद देखेंगे फन फैक्ट यानी कि आज का ज्ञान। यहाँ पर आज दो मुद्दों के ऊपर बात होने वाली है, दोनों जो है वो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर। उसके बाद जो है एनालिसिस शुरू करेंगे दो चीजों का, एक तो है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, तो ये जो आसाम के अंदर चल रही जो सिचुएशन है और वहां पर जो सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए अभी जो लाइन लगी हुई है, तकरीबन नहीं बल्कि स्पेसिफिकली बोलेंगे 40,07,707 लोग जो है वो एक तरीके से क्यू में खड़े हैं और आशा लगा के बैठे हैं कि हमें भी जो है सिटीजनशिप इंडिया के अंदर मिल जाए। हमने जो है इंडिया को अपना नेशन मान लिया है, और यहाँ की इकोनॉमी से लेके यहाँ के लोकलाइट्स तक हमने इतना सबके साथ घुल मिल के रहना सीख लिया है कि आज जो है हम अपने आप को हिंदुस्तानी ही मानते हैं। तो ये कागज़ के किस्तों के ऊपर जो हमें लिख के चाहिए कि जी हाँ आप हिंदुस्तानी है, बस यही एक प्रोसेस हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर द हिंदू एडिटोरियल के अंदर आया है नंबिंग नंबर्स और ड्राफ्ट एनआरसी। तो पहला पड़ाव क्या था ड्राफ्ट एनआरसी का, दूसरा पड़ाव जो है ड्राफ्ट एनआरसी क्या है, तो दोनों पड़ाव के बारे में यहाँ डिस्कशन होंगी। और आसाम के लोगों की जो उम्मीदें हैं उसके रिगार्डिंग क्या होने वाला है एनआरसी के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला ले सकती है, और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है राजनाथ सिंह उनका भी यहाँ पर क्या व्यू पॉइंट है, सारे एंगल से इस टॉपिक को देखेंगे। उसके बाद जो है दूसरा आर्टिकल टुवार्ड्स वॉर एंड, तो यहाँ पर जो सीरिया के अंदर पीस टॉक हुई है और इससे क्या आशा लगाई जा सकती है और किस तरीके के सिग्नल्स मिल रहे हैं, ये इंटरनेशनल टॉपिक का एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान एक इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हॉटेस्ट टॉपिक होता है, उसी तरीके से सीरिया के अंदर जितने लोगों की जाने गई है सिया सुन्नी की लड़ाई के बीच में अपना रिजाइम एस्टाब्लिश करने के रीच के अंदर जो यहाँ पर हिंसा हुई है, सारे मसलों को यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर सारी बातें आ गई है। अगर आपको कुछ नहीं पता है कि सीरिया के अंदर इतने सालों में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और इंटरनली सीरिया की सिचुएशन कैसी है, तो आपको सिर्फ ये एडिटोरियल देखना है, बाद में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सारी डिस्कशन के बाद आपको मिलेगी वोकैबुलरीज, जहाँ पर आपको मिलेगी राइटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए 10 इंग्लिश के वर्ड्स जो आपको ऐसे राइटिंग और आंसर राइटिंग के अंदर हेल्पफुल होंगे। तो देखते हैं कि पिछले एडिटोरियल के अंदर हमने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था और उसका क्या सही जवाब है। IRDAI हैज कंस्टिट्यूटेड विच कमेटी टू रिव्यू थर्ड पार्टी मोटर ओवर कोस्ट, तो इसका जो आंसर है वो है पीजे जोसेफ कमेटी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 16 मेंबर थे और ये जो है काफी दिलचस्प क्वेश्चन था, इसीलिए हमने आपसे पूछा था। और जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिए हैं उनका नाम है अजीत सिंह, प्रियंका कुमारी, मासूम रेजा, रुपेश खांडे, यूनिशेख और सईद दाबिर।
तो इन लोगों को मिलता है हमारे कोर्स के रिगार्डिंग। कूपन कोड कैसे करेंगे ये प्राप्त, कूपन कोड भाई नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है उसी तरीके से वहां पर मोबाइल नंबर भी है, वहां पर आप कॉल करके अपना नाम बताइए और जो है आंसर वेरीफाई करवा के आप जो है कूपन कोड ऑन द स्पॉट प्राप्त कर सकते हैं, SMS ईमेल के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आज का जो क्वेश्चन है इसी से आपको यहाँ पर अपना नाम दर्ज करवाने का और कूपन कोड प्राप्त करवाने का मौका मिलता है। तो क्वेश्चन सुन लीजिए, नीचे कमेंट में आंसर दीजिए और बाद में कॉल करके आंसर वेरीफाई करवा के कूपन कोड प्राप्त करिए, और नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन एडिटोरियल में आपका नाम भी जरूर यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा पूरे विश्व के सामने यूट्यूब के माध्यम से। तो आज का क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट प्रणाम स्कीम टू एंश्योर दैट गवर्नमेंट स्टाफ टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स एंड फिजिकली चैलेंज सिबलिंग्स। ए कर्नाटका, बी आसाम, त्रिपुरा, सी त्रिपुरा और डी उड़ीसा। तो यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा भाई, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो उस स्टेट का नाम है जो हाल ही के अंदर बहुत ही चर्चा के अंदर रहा है और बहुत ही चर्चा हो रही है जिस स्टेट के बारे में, उसी गवर्नमेंट ने सोचा है कि प्रणाम स्कीम जो है वो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। देखते हैं कि यहाँ पर फन फैक्ट में आज के ज्ञान में दो न्यूज़ लेके आए हैं। एक तो आसाम फिल्म के रिगार्डिंग है और इन्होंने क्या डंका बजाया है विश्व के अंदर, इसकी बात कर लेते हैं। आसाम की एक आसामी फिल्म है जिसका नाम बहुत ही अटपटा है, जिसका नाम है एक्जोई हो बोते दिमेलटा दिमेलाइट। तो ये रेमबो फील्ड इसका स्पेसिफिक ट्रांसलेशन होता है। तो इनको थर्ड टॉप अवार्ड मिला है, थर्ड लव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो ला लॉस एंजलिस के अंदर हुआ था। तो यहाँ पर बेस्ट मूवी के अलावा इनको अवार्ड मिले हैं, बेस्ट एक्ट्रेस जो मिला है दीपन्निता शर्मा, बेस्ट म्यूजिक का यहाँ पर अवार्ड मिला है अनुराग शाइकिया एट द फेस्टिवल, और जो फिल्म है वो डायरेक्ट की है विद्युत कोटकी ने। और यहाँ पर जो सेंसिटिव इश्यू है जो यहाँ के बच्चे जो फेस करते हैं जब वो छोटे से बड़े होते हैं, तो ये वायलेंस जो अपने आसपास हो रहा है इसको जो देखते हैं, जो ब्रुटैलिटी है उनके आसपास हो रही है उसको देखते हैं, उसके रिगार्डिंग ये ट्रू इवेंट बेस्ड मूवी थी। अगर आपको कहीं से देखने को मिलती है थंबनेल के साथ में या फिर आपको डब्ड वर्जन में देखने को मिलती है तो ये ज़रूर से आपको देखनी चाहिए। तो आसाम को आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर सीजन एक्टर्स थे विक्टर बैनर्जी, नकुल वेद, नावेद असलम, निपुण गोस्वामी एंड निकुमोनी बारुआ। तो यहाँ पर 150 फिल्में थी, 36 कंट्रीज की स्क्रीन्स के अंदर इसको दिखाया गया। तो फेस्टिवल जो है हाल ही के अंदर भले ही तीसरी बार हुआ है लेकिन ये बड़ा धमाकेदार फेस्टिवल था और आसाम ने जो है इंडिया का नाम यहाँ पर रोशन करके दिखाया है। तो पहला जो आज का ज्ञान है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ जो हेल्थ के मैटर्स के ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या हमारे लिए लेके आया है, और यहाँ पर हेपेटाइटिस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर फिर से हेपेटाइटिस के ऊपर एक इंफॉर्मेशन है, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो अभी हेपेटाइटिस डे भी गया था तो उसके रिगार्डिंग ऑन 2018 वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कौन सा डे पे था आपको पता है, 28 जुलाई को। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कोलोब्रेशन के साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली के अंदर 2030 तक का टारगेट रखा है कि बड़ी कंटीजियस जो भी डिजीज है उनके रिगार्डिंग स्पेसिफिकली अगर हेपेटाइटिस बी और सी की बात करें तो इनिशिएट करेंगे, फ्री ड्रग प्रोवाइड करेंगे और जो है डायग्नोज करेंगे बी और सी टाइप के हेपेटाइटिस को, और यहाँ पर हर गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर यहाँ पर जो है फिजिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी ताकि जो है लेबोरेटरी टेस्ट से पता चले कि हेपेटाइटिस है कि नहीं है, वायरल हेपेटाइटिस है कि नहीं है, और डिसेंट्रलाइज अप्रोच से यहाँ पर काम किया जाएगा और लोगों को इसकी जो भी सर्विस रिक्वायर्ड होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस विच इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, तो वायरल इन्फेक्शन के कारण ये होती है और जो लीवर है उसके अंदर जलन की फीलिंग होती है। तो इसके अलावा जो कैंसर है, सिरोसिस है लीवर का, ये भी इससे प्रॉब्लम्स होने की संभावना है और लीवर फेलियर का भी यहाँ पर चांसेस है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अगर मैं आपको याद करा दूँ 2015 से 2030 के, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग हमारा वीडियो भी आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल से मत भूलिएगा ताकि आपको जैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का वीडियो अपलोड हो आपको ऑन द स्पॉट नोटिफिकेशन मिल जाए, एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर कौन कौन से गोल्स है और कहाँ तक अचीव हुए हैं
इसके रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको मिलेगी इस छोटे से वीडियो के अंदर, और ये कंप्लीट नॉलेज कवर करता हुआ है। तो डिजीजेज लाइक एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज, हेपेटाइटिस, वाटरबोर्न डिजीजेज एंड अदर कम्युनिकेबल डिजीजेज शुड बी एलिमिनेटेड बाय 2030। ये है मेन पर्पस। अगर हेल्थ की बात कर लो 2030 तक के सस्टेनेबल गोल्स की, तो और इंडिया जो है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कमर कस के मेहनत कर रहा है कि हेल्थ के इश्यू को इंडिया से नाबूद करना है। और पोलियो का जिस तरीके से हमने अचीव किया है कि इंडिया के अंदर स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और पोलियो जो है उसके अंदर हमने 100% सक्सेस अचीव की है, उसी तरीके से वायरल हेपेटाइटिस बी और सी तरीके के जो है उसको 100% अचीव करना है। और यहाँ पर जो है वर्ल्ड लीडर ने यहाँ पर प्लीट किया है कि भाई सच में 2030 तक हमें ये हेल्थ इश्यूज जो है इसको ओवरकम करना है, कि वर्ल्ड के अंदर हेल्थ इश्यू के कारण किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो आसाम रिगार्डिंग जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन है उसको देखने से पहले आप एक व्यू मैप ले लीजिए कि किस तरीके से मैप के अंदर आसाम की पोजीशन है और आसपास कौन से स्टेट या कंट्री पड़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, तो इन सारी जगह के अलावा बांग्लादेश, तो इन सारे अलग अलग स्टेट, कंट्री और भूटान, तो यहाँ से कई सारे लोग जो है वो मोबिलाइज होते हैं, माइग्रेट होते हैं। और इस रीजन के अंदर कोई सबसे बड़ा अगर स्टेट है तो वो है गुवाहाटी, जिसका कैपिटल है आसाम। तो यहाँ पर जो है कई लोग जो है आके बसने लगे, कई साल बीत गए और अपने देश की इकोनॉमी, जैसे इंडियन इकोनॉमी को इन्होंने अपनी इकोनॉमी समझ लिया। और यहाँ पर जो है आज प्रश्न उठता है कि उनकी सिटीजनशिप कहाँ से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर जो है एनआरसी का जो अभी फतवा जाहिर हुआ है उसके रिगार्डिंग, जो 31 दिसंबर 2017 था उसके पहले ड्राफ्ट के अंदर जिन लोगों के नाम यहाँ पर नहीं आए हैं वो काफ़ी एंजाइटी वाली फीलिंग के अंदर है कि हमारा क्या होगा, कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के अंदर हमारा नाम पब्लिश नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल क्वेश्चंस है। इवन इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा शांत करने के लिए यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मंडे को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई लोगों को आश्वस्त किया कि भाई आपका अगर नाम ये सेकंड ड्राफ्ट के अंदर नहीं है तो भी आपको तकलीफों का सामना करना नहीं पड़ेगा, आपके लिए कई दरवाजे खुले हैं। दरवाजा नंबर वन, 31 अगस्त टू 30 सितंबर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होंगे, आप अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। 5 स्टेप प्रोसेस रखी गई है यहाँ पर, आपको पता ही है कि 5 स्टेप प्रोसेस जो है वो एकदम से सिंपल तरीका है अपना नाम दर्ज करवाने का। पॉइंट नंबर टू इज दैट कि अगर टाइम की कमी मिलती है तो फिर और 1 महीने के लिए, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक यहाँ पर आप अपना फिर से जाके नाम 5 स्टेप प्रोसेस के अंदर दर्ज करवा सकेंगे, और अगर नीट रहती है तभी जाके वहाँ पर प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद अगर आप थर्ड स्टेज देखें कि उसके बाद क्या रहेगा, तो भाई फॉरेन ट्रिब्यूनल नाम की एक और विंडो है, आप जो है उसका भी सहारा ले सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई हम फॉरेनर है, ये बात सही है, लेकिन इतने टाइम से इंडिया के साथ कनेक्टेड है, इसी भूमि पर रहते हैं, इसी भूमि के साथ डील करते हैं, खाते हैं, तो यहाँ पर हमें सिटीजनशिप मुहैया कराई जाए। और यहाँ पर और एक बात कही कि भाई 40,07,707 लोगों की सिटीजनशिप के बारे में तो एनआरसी है, लेकिन इनको क्या इलेक्शन के अंदर वोटिंग करने का अधिकार मिलेगा 100% या पार्शली या कैसे भी, तो इसके रिगार्डिंग जो डिसीजन है वो डिसीजन लिया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। वो डिसाइड करेंगे कि किन लोगों को यहाँ पर अधिकार देना है, सबको देना है या फिर कुछ लोगों को, या फिर कौन सी क्राइटेरिया के बेस के ऊपर यहाँ पर सिटीजनशिप्स के बेस के ऊपर और वोटिंग राइट्स के अधिकार को यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगर आप देखें तो जो हमारे आर्टिकल 5 से 12 के आर्टिकल है जहाँ पर सिटीजनशिप के रिगार्डिंग सारे क्वेरीज जो है सोल्व आउट हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये भी एक देखने को मिलता है
आगे जाके आर्टिकल्स के अंदर जिन लोगों का नाम 5 से 12 की कैटेगरी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया के अंदर आता है और क्या वो 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, तो जी हाँ, वो लोग जो है इलेक्शन के अंदर वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो लोकल इलेक्शंस हो, बाय इलेक्शंस हो या फिर जनरल इलेक्शंस हो लोकसभा के। तो इसके रिगार्डिंग डिसीजन अभी इलेक्शन कमीशन लेगा बाद में, पहले एनआरसी की पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर कई सारे डाउट्स है, तो फुल प्रूफ यहाँ पर किसी को कोई नॉलेज नहीं है। काफी मीडिया ने इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रिले की है, लेकिन यहाँ पर जो पहला ड्राफ्ट गया था जहां पर 19 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 90 लाख लोग जो थे नाम दर्ज करवाने पहुंचे थे, उनमें से 1.5 लाख नामों को जुलाई के अंदर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने निकाल फेंका और नोटेबल ओमिशन ये मंडे को सामने आया। और यहां पर 55,000 ऑड ऑफिस वर्क्स यहां पर देखने को मिले कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है एनआरसी ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने बहुत ही उम्दा काम अब तक पहले पड़ाव में किया। और ये जो हमारा एनआरसी है 1951 का, तो उसके तहत यहाँ पर इसके जो इलेक्टोरल रोल्स है 1961 और 1971 में, इन्होंने भी एक लेगेसी डेटा प्रस्तुत किया कि भाई जो डिजिटाइज सिस्टम और जो मैपिंग, फैमिली मैपिंग, ट्री मैपिंग जो है कि जैसे इस ट्री के जरिए पता चल सकता है कि कौन किसके बेटे हैं, उसके कितने बेटे हुए, उनके कितने बेटे हुए और किस तरीके से जो वंश है वो आगे बढ़ा है। तो ये भी सारी प्रोसेस आज डिजिटलाइज हो गई है। और जो ह्यूमन इंटरफेयर है, ये तो एक सब्जेक्टफुल बात है, यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस होते हैं, लेकिन ये सब्जेक्टिव बायस चीज है। तो इनहेरिटेंस फ्लो जो है एनआरसी ऑफ 1951 और इनका इलेक्टोरल रोल जो है 1961 और 71 के टाइम फ्रेम के अंदर, तो ये लेगेसी डेटा बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है। और यहाँ पर 40,07,707 लोग कतार में खड़े हैं कि जो हमें एंट्री मिल सके एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात हो सकती है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और उनके लोगों से अपील करती है कि यहाँ पर आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है और नहीं चाहते कि किसी भी तरीके की अशांति यहाँ पर एस्टैब्लिश हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर को कोई एक्शन लेना पड़े। बस आप आराम से जो प्रोसेस चल रही है पूरी सी प्रोसेस कंप्लीट करें। और जो है आप 1 महीने का टाइम है रिक्वायर्ड रहता है, तो और एक्सटेंड होगा 1 महीने के लिए। और इसके अलावा भी एक विंडो खुली है, तो उस सारे मार्ग को आप जो है साधिए, आपको मिल सकती है यहाँ पर इंडिया की सिटीजनशिप और अपना नाम दर्ज करवाने का मौका एनआरसी के अंदर 5 स्टेप प्रोसेस के माध्यम से। तो मिड अगस्त के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये काम करने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग 28 सितंबर को यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है और इसके रिगार्डिंग क्लेम और ऑब्जेक्शन के लिए किस तरीके से वर्क करना है। तो ये एक लोगों की उम्मीदें यहाँ पर बनी है कि किस तरीके से और आगे आने वाले समय के अंदर काम हो सकता है। तो यूनियन मिनिस्ट्री जो है, उनके होम मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने भाई फॉरेन ट्रिब्यूनल की भी यहाँ पर बात कही है। तो डेमोक्रेटिक और सेक्युलर तरीके से यहाँ पर एनआरसी काम कर रही है और सिर्फ एक ही मुद्दा है कि कोई इलीगल इमिग्रेंट जो है यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर करता हुआ आया हो तो उनको सिटीजनशिप ना मिल जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हम हिंदुस्तान के साथ, इस मिट्टी के साथ इतने जुड़ चुके हैं इतने टाइम से, ये आपकी इकोनॉमी से लेके आपकी कम्युनिटी से लेके आपके रीजन और रिलीजन के साथ, कि हमें जो है इस पेपर के टुकड़े से आप मत तराशिए कि हम हिंदुस्तानी है या नहीं, हमने हिंदुस्तान को अपना लिया है, हम आशा करते हैं हिंदुस्तान भी हमें अपना ले। तो आसाम के अंदर आज जो है यही बात यहाँ पर चल रही है। तो इस एडिटोरियल के अंदर इतना ही, देखते हैं दूसरा एडिटोरियल जो काफी क्रूशियल है, सीरिया वॉर। अगर वर्ल्ड लेवल के ऊपर आप बात करें कि कौन कौन से ऐसे मसले हैं जो बहुत ही बड़े बड़े थे या फिर थे, तो वो था यूएस और रशिया का रिलेशन जो आज भी है, इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन जो मसला आज भी है, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका का प्रॉब्लम जो आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्जिस्ट करता है, मिडल ईस्ट की उनके बीच की वॉर जो भी आज भी है, और जो बाद में एक पॉइंट बनता है वो है
सीरिया के अंदर जो लोगों की जाने जा रही है, जैसे कि मिडल ईस्ट के अंदर आप देखें कि भाई यहाँ पर शिया और सुन्नी की लड़ाई के अंदर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, एकदम से यहाँ पर अशांति फैली हुई है। तो आज का जो ये एडिटोरियल है वो बहुत सारी जानकारी अपने आप में देखे जाता है और बखूबी अपने आप में खास एडिटोरियल है। बहुत ही कम ऐसे एडिटोरियल आते हैं जो बहुत ही क्रूशियल होते हैं। तो यहाँ पर जो है असद रजीम और गवर्नमेंट और वर्ल्ड रशिया यूएन यूएस बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मेहनत की है पीस एस्टैब्लिश हो और अशांति का भंग हो। तो यहाँ पर देखिए कि भाई सीरिया के मसलों के ऊपर बात करने के लिए कितने बड़े बड़े और कितने दिग्गज यहाँ पर बैठते हैं। ये सीरिया पीस टॉक की एक मीटिंग की यहाँ पर जो 2017 के अंदर जो हुई थी उसकी ये एक पिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और आगे बढ़ते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर असद रजीम और कुर्दिश रिबल जो है उन्होंने एक पीस टॉक की थी लास्ट वीक के अंदर। तो नॉर्थ और ईस्ट सीरिया के अंदर यहाँ पर शांति कायम करने के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टेप्स लगाए गए हैं। तो ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है कि जो टॉक हुई थी दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स जो सीरिया के हैं कुर्दिश रिबल और प्रेसिडेंट बशर अल असद रजीम, तो यहाँ पर दमस्कस के अंदर हो रही इस मीटिंग के रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइव इन द कंट्री इन द पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ सीरिया आर वेटिंग कि भाई अब जो है शांति कायम हो जाए। तो यहाँ पर बात होने की एक वीक बाद जो सीरियन डेमोक्रेटिक काउंसिल है और जो पॉलिटिकल विंग है कुर्दिश लेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, तो इन्होंने रेडी टू वर्क विद द रिजाइम टुवर्ड क्रिएटिंग अ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज सीरिया विथ अ न्यू सिस्टम एंड अ न्यू फॉर्म। तो यहाँ पर दोनों ने आके अपने अपने कदम एक नई दिशा की ओर ले जाने की कोशिश की है कि डेमोक्रेटिक और डिसेंट्रलाइज सीरिया को बनाना है, सीरिया को एक नए सिस्टम और एक नए फॉर्म के अंदर वर्ल्ड और नेशन के तरीके से लॉन्च करना है। तो ये पहली बार हुआ है इतने सारे सालों में कि यहाँ पर कुर्दिश रिबल ने जो है डमस्कस में आके आउटब्रेक वॉर को करते हुए डेलीगेशन को भेजा और यहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए अपने कदम उठाए। तो वॉर के दौरान दोनों साइड्स जो है एक दूसरे के बहुत ही आमने सामने हो गई। जो असद रजीम है उसको बहुत ही नीचे से ऊंचे पायदान तक रशिया का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर कुर्दिश का जो एरिया है तो अर्लियर डेज के अंदर यहाँ पर सिविल वॉर्स चलते थे और कोस्टल रीजन को हथियाने के रिगार्डिंग बहुत सारी मेहनत लगी रहती थी। तो ऑटोनोमस रूल एस्टेब्लिश करना चाहते थे कुर्दिश फाइटर्स और इस्लामिक स्टेट जो है वो कुर्दिश टाउन की ओर मदद पहुंचाया करते थे। तो 2015 के अंदर कुर्दिश रिबल को भाई यूएस की भी मदद मिली और सक्सेसफुली उन्होंने रजिस्ट किया बाकी के एरिया के जो इंटरनल मसले थे वहां पर। तो आज जो है कुर्दिश के पास ऑलमोस्ट 1/3 यानी कि 33% जो टेरिटरी है वो आउट ऑफ गवर्नमेंट रूल है। दूसरी बात, ये साइज वाइज नो डाउट ज्यादा है, सीरिया की 1/3 पार्ट जो है इनके पास है, ये बहुत साइज वाइज है। लेकिन आज भी जो मसला है कि सीरिया के जो असद रजीम है उनके पास पॉलिटिकली ज्यादा जमीन के अलग एंगल से देखे तो भाई लोगों के अगर मंतव्य से देखे कि कितने लोग इनके पास है तो लोग असद रजीम के पास ज्यादा है। और सीरियन लिबेलियन जो है उनकी जो बर्थ प्लेस है साउथ पार्ट ऑफ सीरिया के अंदर डेरा, तो इनको कैप्चर कर लिया है असद रजीम और इसको यहाँ पर वेस्टर्न बेकर्स और जो रीजनल यहाँ पर थे उनको एग्री करवाया है रशिया के मीडिएटेड डील के कारण कि भाई रशिया ने विश्व को बताया कि ये जगह के ऊपर असद रजीम का शासन होना राज होना ये लाजमी बात है क्योंकि यहाँ पर यही सबके लिए फायदेकारक चीज है। तो मोस्ट ऑफ सीरियाज पॉपुलेशन सेंटर जो है असद रजीम के पास है। इवन साउथ पार्ट की अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो कुनेत्री नाम का जो पार्ट है यहाँ पर ये भी रिबल के हाथ में अभी पहुंच चुका है। तो
तो नॉर्थ की अगर आप बात करें तो रिबल और अलकायदा के लिंक से जिहादिस्ट जो है ये इदलिब प्रोविंस को चलाते हैं, कुर्द का यहाँ पर ईस्ट के अंदर कंट्रोल है, और डमास्कस की स्ट्रेटेजी के मुताबिक अगर आप देखें तो ये लोग हर समय ग्रैब करने की चाहत में है कि कैसे साउथ और पूरे साउथ को कवर करे और फिर नॉर्थ की तरफ जाए। तो बिफोर द अटैक ऑफ इदलिब द लास्ट स्ट्रोंग होल्ड ऑफ एंटी रिजम रिबल जो था, उन्होंने गवर्नमेंट से आशा रखी कि कुर्द और कुर्दिश मिलिटियाज है जो वो उनकी मदद करे और जो इदलिब्स है उनको रोक सके गवर्नमेंट की मदद से या फिर गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो इनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इन्होंने क्लियरली कह दिया कि हम कोई आजादी की आशा नहीं रखते सीरिया की, बल्कि हम तो सिर्फ ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने की चाहना रखते हैं। तो यहाँ पर कुर्दिश एरिया जो है ये अभी एक फिजिबल ऑप्शन नहीं रहा है रिजाइम के लिए, और जब से 2000 यूएस सोल्जर्स यहाँ पर रखे गए हैं यूएस के द्वारा, तो कुर्दिश का ऑटोनोमस एरिया है वो एक तरीके से स्टेबिलाइज मोड के अंदर है, और इवन रशिया और सीरिया जो है कोई भी तरीके का डायरेक्ट एक्सचेंज फायर नहीं करना चाहते यूएस सोल्जर के साथ में। क्यों भाई? अगर असद रजीम जो है वो इंटरनली इनके साथ भिड़ जाएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि यूएस के यहाँ पर 2000 ट्रूप्स है, दूसरी बात हथियारों से सज है, तीसरी बात कि अगर वो लड़ते हैं तो यहाँ पर इनडायरेक्ट मतलब ये होगा कि सीरिया यानी कि असद रजीम ने जो अटैक किया है उसके पीछे हाथ किसका है? रशिया का है, और रशिया ने यूएस के सोल्जर्स को मार दिया। तो यूएस क्या करेगा? फिर से रिटालिएट करेगा, अपने और ज्यादा सोल्जर्स भेजेगा, फिर रशिया को भी भेजने पड़ेंगे, कई लोग और मरेंगे, और एक तरीके से सीरिया का मसला सीरिया की ओर, और यहाँ पर जो है अटैक्स वॉर शुरू हो जाएंगे रशिया और यूएस के बीच में। तो ये सारा मसला न हो इसीलिए यहाँ पर जो है डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ फायर कहीं नहीं हो रहा है। तो डील है वे कुर्द जो है वो सेटअप करने वाले हैं, तर्कीस के साथ हाथ मिलाएंगे, और जो सीरियन कुर्दिश जो रिबल है ये लोग जो है कुर्दिशियन वर्कर्स पार्टी जिनको टेररिस्ट भी कहा जाता है, तो ये लोग जो है अपना हाथ अभी बढ़ाने की सोच रहे हैं कि अभी जो बैलेंसिंग सिचुएशन सीरियन रिजाइम के अंदर चल रहा है वो ऑलमोस्ट ड्यू टू रशिया, क्योंकि इन द बैटल ऑफ डेरा रशिया ने मैनेज किया था यूएस जॉर्डन और इसराइल को ये मनाने के लिए कि रजाइम जो है ये जो कर रहे हैं इनको करने दीजिए, अपने प्रोविंस को एस्टैब्लिश करने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो रीजन जो है वो पीसफुल तरीके से यहाँ पर चलेगा और यहाँ पर लोगों की जाने नहीं जाएगी। तो लाइकवाइज यूएस और टर्की जो है ये अब कोई लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं सीरिया के अंदर की ईस्ट पार्ट ऑफ सीरिया हो या फिर नॉर्थ पार्ट ऑफ सीरिया हो कि यहाँ पर कोई भी तरीके की सिचुएशन शांत हो, क्योंकि रशिया जो है टर्की पहले टर्की की बात कर लेते हैं, टर्की जो है वो यूरोप के अंदर भी आता है, एशिया के अंदर भी आता है, और एक तरीके से खुद इतना उलझा हुआ है कि उनको किसके साथ रहना है, एशिया के ग्रुप में फील करवाना है अपने आप को या फिर जो है यूरोप के पार्ट के अंदर कैलकुलेट करवाना है, और यही लड़ाई यही असमंजन की परिस्थिति के अंदर वो खुद डिसाइड नहीं करता है। फिर यूएस यूएस नहीं चाहता कि भाई हम तो सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे कि यहाँ पर हम इतनी आर्मी रखेंगे, उसके अलावा हमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा स्टेप जो है वो डायरेक्टली रशिया को रिजल्ट करेंगे, और उस रिजल्ट के जो है जो एक्शंस के रिएक्शंस होंगे वो बहुत ही विश्व के लिए खतरनाक और खराब हो सकते हैं। और रशिया के लिए हम क्यों, जो सीरिया के लिए हम क्यों रशिया से पंगा ले, और रशिया भी यही कह रहा है कि हम जो है सीरिया को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, हम क्यों यूएस से पंगा ले और क्यों जो है अपनी इकोनॉमी को और भी नीचा रखे और डाउन करे जाए। तो ये जो है पूरा मसला यहाँ पर कंप्लीट होता है सीरिया के रिगार्डिंग। अब जो है कोई स्पेसिफिकली यूएस, टर्की, जॉर्डन कोई ज्यादा स्टेप्स नहीं दे रहा है, इवन इजराइल भी नहीं, बस अब तो जो है कुर्ज और कुर्दिश और असद रजीम अपने आप हाथ मिला के जो है सीरिया को एक नए आयाम तक पहुंचाए, यही उम्मीद के साथ इसी एडिटोरियल के अंदर इतना ही। ये आपकी राइटिंग स्किल एनहेंस और इम्प्रूव करने के लिए 10 अंग्रेजी के शब्द हिंदी शब्दों के साथ वीडियो को पोस्ट करें, नोट डाउन कर ले और इसके सेंटेंस बनाकर याद रख के डे टू डे लाइफ में यूज करें, ताकि एसे राइटिंग और आंसर राइटिंग में अपने आप को
दूसरों से अलग आप प्रतीत करवा सके। अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि यहाँ पर द हिंदू एडिटोरियल पूरे यूट्यूब के अंदर सबसे पहले मिलता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और जो है कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी तरीके का क्वेश्चन हो वीडियो कोर्स के रिगार्डिंग, ये भी हमें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।